आज हम आपके लिए बहुत सिंपल सी तड़का दाल की रेसिपी लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं तड़का दाल बनाना। सबसे पहले हमने लिया है 1 कप तुअर की दाल। इसके अंदर हमने डाला है 1/4 कप मसूर की दाल। पानी ऐड किया है 1 कप। चॉप किए हुए 2 टमेटोज बड़े साइज़ के ऐड किए हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। सारी चीज़ें डालकर हम प्रेशर कुकर के अंदर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे गलने के लिए। एक बर्तन में हम देसी घी लेंगे, इसकी जगह आप ऑयल या बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। एक प्याज लिया है बारीक कटी हुई, इसे हमें पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा कलर चेंज करने तक, सिर्फ हम इसे सौते करेंगे। राई और ज़ीरा 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर डाला है। चॉप की हुई 2 हरी मिर्ची हमने ली हैं। 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर सिर्फ कलर के लिए हमने उसमें ऐड किया है। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर हमने लिया है। करी लीव्स हमने इसमें डाली हैं। साबित लाल मिर्चें हमने इसमें डाली हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पकाएंगे। ये तड़का हमारा बनकर तैयार है। दाल गल चुकी है, गली हुई दाल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर हमने 1/2 ग्लास पानी डाला है और उसे अच्छी तरह से धो लिया है, और वही पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से हमने इसमें डाला है बटर, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। बटर और घी से दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। तड़का दाल हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने गैस को बंद कर दिया है। रेस्टोरेंट्स या होटल्स में आप जब भी जाते हो तो तड़का दाल के ऊपर से हल्का सा तड़का डाला जाता है। तेल के अंदर मिर्ची पाउडर डाल के उसे भून लिया जाता है और वो तड़का दाल के ऊपर से डाला जाता है, और इसे ज़ीरा राइस के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारी तड़का दाल बनकर तैयार हो चुकी है रेस्टोरेंट स्टाइल, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।